सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेरे पीछे का टायर जो है बहुत टाइम से घिसा हुआ है, तो अभी मैं जा रहा हूँ टायर पता करने। देखते हैं कौन सा मिलता है, और थोड़ा मुझे एमरजेंसी में लगाना है क्योंकि मेरा ये वाला टायर बिक रहा है थोड़े ठीक ठाक प्राइस में, क्योंकि ये घिस भी चुका है और इस पर पंचर भी हैं। जो ख़रीदने वाला है उसको ये सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने गाड़ी पर मोटा टायर डालना है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब मुझे थोड़े पैसे मिल ही रहे हैं तो क्यों ना मैं नया टायर डाल ही दूँ। तो अभी देखते हैं कौन सा टायर मिलेगा मुझे। तो गाइस, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ फर्स्ट वन टायर्स पे, और अभी तो चल ही रहे हैं यार फिलहाल। और मेरे आगे से आ रही है एक ड्राइवर जो कि है हल्द्वानी की, और तिवाड़ी दूसरे रास्ते घूम कर पहुँच गया और मैं इस रास्ते लगभग दोनों सेम ही टाइम पर पहुँच गए। तो हाँ है, टायर तो अवेलेबल है यहाँ पे। और ये ड्यूक की हमने डिलीवरी ली थी, वो ये है, वो मेरी ड्यूक नहीं थी, वो थी इसकी। तो ये 150 है ना, तो ये है टायर। पहले मेरे को इसकी वारंटी गारंटी का सीन बताओ पहले तुम, आज है कि नहीं? आज हम पहले पुष्टि करेंगे सब कुछ, उसके बाद लेंगे हम इस बार। राहुल भाई को हेलो। हेलो राहुल भाई जी। भैया मैं ये टायर डलवा रहा ना, अपोलो अल्फा H1। हाँ। तो इसकी वारंटी गारंटी क्या क्या सीन होता है इसका? किसका वारंटी गारंटी? अपोलो अल्फा H1 150। साइज? साइज 150। वारंटी क्या होती है? कटने की होती है, फटने की होती है, फूलने की होती है, बाकी क्या वारंटी होती है? 50% के साइज तक बस। बस बाकी को अच्छा, क्योंकि पहले हैं। कौन बोल रहे हैं? मैं हिमांशु, ड्यूक 390 वाला। अच्छा, पहले क्या कह रहे थे? पहले वो 3000 रुपए घिस गया ना पुराना वाला टायर। कैसे घिस गया? वही तो मैं कह रहा था। देखो एक चीज क्या होता है ना, हाँ, कंपनी कभी भी कोई भी कंपनी घिसने की वारंटी नहीं देती है। हाँ, उसका ये है कि हाँ, अगर टायर पे मान बात कट लग गया, मान के चल अगर फूल गया, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है ना, हाँ, उसकी वारंटी होती है। बाकी घिसाई की तो कोई भी किसी भी टायर की, चाहे जिंदगी हो, कोई भी टायर किसी की नहीं होती है। पर लेकिन ये कुछ हद से ज्यादा जल्दी घिस गया था ना। वो रोहित कह भी रहा था, मैंने कहा यार तुमने स्किट मारा होगा। नहीं मारा ना हमने, क्योंकि मेरे उस पे लगता ही नहीं ABS है मेरे उसमें। अरे क्या ABS के सब कुछ लग जाता, मैंने ना पूछा नहीं लगता ना। अच्छा अच्छा, मारा रहता तो मेरे YouTube चैनल पे रहता, देख सकते हो यार आप। ठीक है, YouTube चैनल देखेंगे फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हद से ज़्यादा जल्दी घिसा था ना, तो वैसे बचा तो अभी भी है ना ये पर, लेकिन ये टायर अब मुझे डराता है कहीं जगहों पे। ना ना कुछ नहीं मार रहा, वो बेचना है मैंने। 10% पैसे उसी से आने हैं मेरे। तो गाइस ये हमारा नया टायर अपोलो अल्फा H1, और यह पुराना वाला जिसको मैं बेचने वाला हूँ, अब वो वाला डालेंगे। दो साल अनकंडीशनल वारंटी और 5 साल मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। और घर जाके जरा मैं पढ़ूंगा इस ढंग से, रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन टायर फॉल द मैंडेटरी। यहाँ पे देखो आप, सो गाइस अभी खुल रहा है इसका एक्सल। मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाने गया ना, मेरे साथ व्लॉग बनाए नहीं जा रहे भाई। सो गाइस अभी निकल रही है इसकी हवा, क्या मस्त आवाज आ रही है क्या? हाँ यार, तो गाइस ये वाली प्रोसेस मैं पिछले वाली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ आपको। और यहाँ पे एक भाई का एक नियम है, जितने टायर आएंगे सबके आपको यहाँ पे पोस्टर दिखेंगे
अरे जितने चिट मिल रहे हैं आपको, ये देखो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें नया वाला अपोलो अल्फा H1 और उसके बाद इसकी रेल बनाई जाएगी। अब आज जी से कल का तो इंतजार ही नहीं करना। और ये अभी फिटिंग होने लग गया हमारा टायर भैंस की। मिशलिन बेकार है रे, मिशलिन है भी पता है कितने का, 12,500 रुपये का भाई। उतने में मैं दो अपोलो अल्फा H1 लेता हूँ। पागल वो, ए भाई गलती से भी वो यूज टायर कभी मत लेना, कभी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अमित अभी भर रहे हैं इसमें हवा, दो पट ये तो होने ही है। और इसने लिया नया हेलमेट, तू नहीं लियो? बेटा लग तो मस्त रहा यार। कौन सी कंपनी का? एग्जॉर हाँ हाँ पे। और इसी के साथ भर चुकी है हवा, क्या पता कभी डाल दूँ मैं इसमें ऑफ। हवा 35 रखना है, तब मैं एक ट्रायल मार के आऊँगा सारे बैंडों पे, तब जरा मुझे फील आएगी कि हाँ भाई बैंड बैंड मेरे को सिर्फ बैंड से मतलब, मेरे को अब सीधे से मतलब ही नहीं रहता भाई, अब मुझे सिर्फ बैंडों से मतलब रहता, बैंडों की वाई भी अलग है भाई। भाई जब फिट होगा हमारा नया वाला टायर, तो मैं आपको ड्यूक 200 दिखाता हूँ। ये है ड्यूक 200 वाइट वाली। जो लोग पूछ रहे थे इसमें काले अलॉय कैसे मिले, तो शोरूम वाले भैया हमारे जान पहचान वाले थे, तो हम काले अलॉय हमने एडजस्ट करा लिए थे इधर उधर से, तो कुछ ऐसा है इसका लुक। सुबह जब भी बन रहे हैं ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक बनने में टाइम लगते हैं क्योंकि सुगाई जब भी लग चुका है हमारा नया टायर। हाँ और ये कह रहा मडगार्ड निकाल दे, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसको फिट किया है, पर लेकिन ये कीचड़ फेंकती है फिर सर तक, इसलिए मडगार्ड के साथ ही ठीक है। बस मैंने सारी गार्ड निकाल दिया ताकि चेन धोने के लिए और ल्यूब करने के लिए ठीक रहे। तो अभी कौन जाएगा सबसे पहले टेस्ट राइड मारने, कौन जाएगा सबसे पहले टेस्ट राइड मारने? जाओ भाई, तुम ही हो असली करता धरता। तो अभी रोहित भाई जाएंगे हमारे इसकी टेस्ट राइड मारने। अब मैं जाऊंगा ट्रायल लेने। हाँ क्या काम कर रहा है? कोई नहीं, वो तो कर लेगा काम। जी हाँ बर्नआउट, नया टायर डाला है भाई अभी। हाँ फील तो आने लगी है इसमें वापस भाई, पर लेकिन ये टायर थोड़ा बहुत अटक रहा है। और अभी मैं जिस पर बस ले आया हूँ इस वाले बैंड पे, पर लेकिन आगे से जा रही है कार, अभी थोड़ा ट्राई मार दें, थोड़ा ऊपर आते वक्त ही मारते हैं अब और देखते हैं भाई। अब ये सही ग्रिप प्रोवाइड करने लग गया है, और भाई वो तिरछा ला रहा है उसे। हाय हाय, नए टायर की फील ही अलग होती है भाई। बाकी एक बार मैं इसे ढंग से चेक करने जाऊंगा, मतलब पुराने के हिसाब से तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें। अभी थोड़ी ग्रिप बनेगी नहीं क्योंकि नया टायर है तो थोड़ा सा फिसलता है, और भाई कह रहे थे ABS कम काम कर रहा, बट लेकिन मेरे हिसाब से तो सही काम कर रहे हैं। हाँ व्हीली वूली कुछ नहीं,
स्टंटिंग बैन है इंडिया में, पता नहीं है तेरे को? सो गाइस अभी बन रहा है मेरा बिल बस, और पेमेंट वगैरह तो मैंने कर ही दी है, तो अब चलेंगे ज़रा घूमते खामते जहाँ मन किया। सो गाइस ये वाला टायर हम ले आएंगे अपने साथ घर, क्योंकि मैंने इसे बेचना है, क्योंकि मैंने दान करना छोड़ दिया है। अब दान करना पाप है, नदी किनारे सांप है। सो गाइस अभी निकलने लगे हैं यहाँ से, और बाकी थोड़ा सा रिव्यू तो मैं आपको दे ही चुका हूँ कि हाँ भाई अब थोड़ा फील आ रही है, क्योंकि मेन रीज़न फील आने का ये भी है कि भाई मेरा आगे भी अपोलो है और पीछे भी अपोलो है। अभी ये मेरे को पता है थोड़ा नाटक करेगा, कम से कम 2 या 3 दिन तक करेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब की ग्रिप मुझे चाहिए वो देगा नहीं एकदम। तो भाई वो भाई अंदर फ़ोन चला रहा, और यहाँ पे वाला भाई कह रहा था मुझे 6300 का, और ये 6300 से नीचे नहीं आ रहा था, और वहाँ पे मुझे 6250 रुपये फिटिंग यानी कि 6250 रुपये का पड़ा। ठीक ही है वैसे, और देहरादून में तो खैर 5700 का है, और आपकी स्टेट में कितने रुपए का है अगर कोई किसी को नॉलेज है तो वो मुझे बता सकता है। बाकी तो अभी चल ही रहे हैं, वैसे अब थोड़ा ज़्यादा फन होने वाला है इसमें। वैसे मेरा आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, मैंने बोला टायर ही तो बदलवाना है, पहले भी दिखा रखा है आपको, बार बार क्या दिखा के बोर करना, बट लेकिन ये है कि अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा, तो तभी तो मज़ा आएगा आप लोगों को भी। अब हर बार ये तो सोच नहीं सकता कि भाई एक ही कंटेंट है कितनी बार दिखाएं, क्योंकि फिर वो फ़ायदा भी नहीं रहेगा। और ये जा रही है R15। सो गाइस अब जा चुका है तिवाड़ी, और मैं निकल रहा हूँ अब सीधे घर को, और पीछे से मेरे भाई ने पकड़ा हुआ है टायर मेरा, तो अब कुछ है भी नहीं वैसे दिखाने के लिए। बाकी एक बार मैं इसे चेक करने जाऊँगा कल, तो ब्लॉग बनाने का मन होगा तो बना लूँगा, क्योंकि मेरा वैसे है वो नहीं रहा। तो मुझे पता है ये ब्लॉग हद से ज़्यादा लेट आ रहे होंगे, पूरे 1-1 महीने लेट, थोड़ा कुछ काम चल रहा है मेरे मकान का, तो इसलिए। बाकी देखते हैं क्या सीन होने वाला है इस टायर के साथ, हम कितना फ़न करेंगे, इस टायर की जर्नी कैसे रहेगी। पर इस टायर को मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, इस टायर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊँगा तो 6000 किलोमीटर चलाऊँगा, फिर बेच दूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं चलाऊँगा भाई। ये टायर मैंने ज़रा सीखने के लिए लिया है अपने लिए, ताकि इसमें थोड़ा फ़न वगैरह कर सकूँ मैं। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे, और मिलते हैं आपको किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेल बाय, बी एस ए बी हार्ट साइनिंग ऑफ, वी आर एक्सपर्ट UK 002।